दोस्तों 25,000 के प्राइस पॉइंट पर मार्केट में बहुत सारे फोन अवेलेबल हैं, बट आज हम बात करेंगे टॉप 3 सिलेक्टेड स्मार्टफोनों के बारे में जो कि 25,000 के प्राइस पॉइंट पर ही रहने वाले हैं। दोस्तों इन फोनों के अंदर आपको किसी फीचर को लेकर कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। ये फोन अपनी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, अपने स्पेक्स के हिसाब से, अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी बेटर वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों अगर आप एक न्यू फोन बाय करने की सोच रहे हो तो प्लीज आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर पूरी देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन सा फोन परचेज करना चाहिए, आपके लिए कौन सा फोन बेटर रहने वाला है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को लेते हैं स्टार्ट और बात कर लेते हैं फर्स्ट फोन के बारे में जो कि रहने वाला ओप्पो की तरफ से, ओप्पो F23 5G। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको काफी अच्छा तगड़ा पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप फोन के अंदर अच्छे से गेमिंग कर पाओगे, हार्ड वर्क अच्छे से कर पाओगे, मल्टीटास्किंग इजीली कर पाओगे। फोन के अंदर आपको काफी अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं फोन की डिस्प्ले के बारे में। इस फोन के अंदर आपको 6.72 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120Hz का रिफ्रेश रेट, 680 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, 86.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। बात कर लेते हैं फोन की चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टा कोर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G वाला हाईली पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 13 पर बेस्ड है। कलर OS 13.1 का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। 256GB प्लस 8GB रैम का बेस वेरिएंट दिया गया है फोन के अंदर। UFS 2.2 टाइप की स्टोरेज है। मेन कैमरा आपको डुअल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 64MP का, 2MP का माइक्रोस्कोप, 2MP का डेप्थ LED फ्लैश देखने को मिलेगी। मेन कैमरे से आप 1080p/30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। 32MP का 3.5mm का जैक फोन के अंदर दिया गया है। स्टोरेज स्पीकर के साथ आता है। USB की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0 विद OTC कनेक्ट। फोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करेगी 67W फास्ट चार्जिंग को। 18 मिनट में आप इस फोन को 50% इजीली चार्ज कर पाओगे। बात कर लेते हैं फोन के कलर स्क्रीन के बारे में। इस फोन के अंदर आपको 2 कलर स्क्रीन देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको 192 ग्राम का वेट देखने को मिलेगा। 8.2mm की थिकनेस है। फाइनली बात कर लेते हैं फोन के प्राइस के बारे में। इस फोन की प्राइस आपको 24,999 रुपीज देखने को मिल जाएंगे। आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में जो कि रहने वाला वन प्लस की तरफ से, वन प्लस नॉट सी 2 5G। दोस्तों इस फोन के अंदर भी आपको काफी अच्छा तगड़ा पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाएगा। फोन के अंदर आपको काफी अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं फोन की डिस्प्ले के बारे में। इस फोन के अंदर आपको 6.43 इंच की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 90Hz का रिफ्रेश रेट, HDR10+ की सपोर्ट है, 84.9% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले के अंदर कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। बात कर लेते हैं फोन की चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टा कोर का मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 का हाईली पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 11 पर बेस्ड है। अपग्रेड टू एंड्रॉइड 13 देखने को मिल जाएगा। ऑक्सीजन OS 13 का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। 128GB+6GB रैम का बेस वेरिएंट दिया गया है। UFS 2.2 टाइप की स्टोरेज है। मेन कैमरा आपको ट्रिपल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 64MP का, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो, LED फ्लैश देखने को मिलेगी मेन कैमरे के अंदर। मेन कैमरे से आप 4K/30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 16MP का। 3.5mm का जैक फोन के अंदर दिया गया है। USB की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0 विद OTC कनेक्ट। फोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। 4500mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करेगी 65W फास्ट चार्जिंग को। बात कर लेते हैं फोन के एंटीटू स्कोर के बारे में। इस फोन का एंटीटू स्कोर आपको 4 लाख+ अराउंड देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको 173 ग्राम का वेट देखने को मिलेगा। 7.8mm की थिकनेस है। फाइनली बात कर लेते हैं फोन की प्राइस के बारे में। इस फोन की प्राइस भी आपको 24,999 रुपीज देखने को मिल जाएंगे। आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में जो कि रहने वाला रियलमी की तरफ से, रियलमी 10 Pro Plus 5G। दोस्तों इस फोन के अंदर भी आपको काफी अच्छा तगड़ा पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाएगा। फोन के अंदर आपको काफी अच्छी लुकिंग डिजाइन देखने को मिलेगी, काफी अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं फोन की डिस्प्ले के बारे में। इस फोन के अंदर आपको 6.7 इंच की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 1 billion कलर के साथ आती है। HDR10+ की सपोर्ट है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, 800 nits की पीक ब्राइटनेस, 95.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। बात कर लेते हैं फोन की चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टा कोर का मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 का हाईली पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉइड वर्जन 13 पर बेस्ड है। रियलमी UI 4.0 का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। 128GB+6GB रैम का बेस वेरियंट दिया गया है। मेन कैमरा आपको ट्रिपल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 108MP का,
8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एलईडी फ्लैश देखने को मिलेगी। मेन कैमरे से आप 4K/30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का। 3.5mm का जैक फोन के अंदर नहीं दिया गया है। स्टोरेज स्पीकर के साथ आता है। यूएसबी की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा फोन के अंदर। 5000mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करेगी 67W फास्ट चार्जिंग को। बात कर लेते हैं फोन के एंटीट्यूड स्कोर के बारे में। इस फोन का एंटीट्यूड स्कोर आपको 5 लाख+ अराउंड देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको बैक फ्रेम दोनों प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे। ग्लास की प्रोटेक्शन डिस्प्ले के अंदर है। 173 ग्राम का वेट है। 7.8mm की थिकनेस है। फाइनली बात कर लेते हैं फोन की प्राइस के बारे में। इस फोन की प्राइस आपको 24,999 रुपीज देखने को मिल जाएंगे। आप फ्लिपकार्ट अमेज़न पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना। और इन फोनों में से जो ही फोन आपको ज़्यादा बेस्ट लगा हो उस फोन को आप नीड एंड प्योरिटी के हिसाब से कंसीडर कर सकते हो। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा हमारा भी।